उत्तर प्रदेश सरकार के वृक्षारोपण जन आंदोलन 2021 के उपलक्ष में पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पेड़ पौधे लगाए जाने के साथ साथ जनमानस से पेड़ पौधों की परवरिश करने की अपील भी की जा रही है। इसी उद्देश्य को लेकर दिल्ली रोड स्थित मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना नया मुरादाबाद योजना के हर्बल पार्क में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाग लेने पहुंचे मंडलायुक्त मुरादाबाद आंजनेय कुमार सिंह द्वारा पौधे लगाकर पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया गया। रविवार को मुरादाबाद के इको हर्बल पार्क पहुंचे मंडलायुक्त मुरादाबाद द्वारा हर्बल पार्क की स्थिति को भी देखा गया, साथ ही उनके द्वारा वृक्षारोपण में भी प्रतिभाग किया गया। पेड़ पौधे लगाने के उपरांत उन्होंने जनमानस से अपील भी की कि सभी लोग अपने जीवन काल में कम से कम एक दो पौधे जरूर लगाएं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। आज हम सभी का फर्ज बनता है कि हम सभी इस पौधारोपण अभियान का हिस्सा बनते हुए पौधा लगाएं और उनकी परवरिश भी करें। सिटी चैनल से बात करते हुए मंडल आयुक्त मुरादाबाद द्वारा कहा गया, ये नया मुरादाबाद के ग्री हर्बल पार्क में हम लोग आज प्लांटेशन का जो वन महोत्सव का पूरा कार्यक्रम था उसमें हम लोग आज यहाँ आए। यहाँ जनपद के नोडल अधिकारी भी श्री सुरेश सिंधा सर भी आए हुए हैं और ये सारे अधिकारी आज यहाँ पे हर्बल पार्क में इकट्ठे हुए हैं। एक आज पूरे दिन का अभियान चलना है और जिसमें एक हमने लक्ष्य रखा है, लक्ष्य को क्रॉस करने का, लक्ष्य से ज़्यादा पेड़ लगाने का है कि 18 लाख से ज़्यादा हम पेड़ लगाएँ। और पूरे दिन भर में ये प्रयास चल रहा है कि जो एक दिन में ज़्यादा पेड़ लगाने का अभियान है उसे हम कहीं ज़्यादा ही पूरा कर पाएँ। सर, आमजन से भी क्या अपील रहेगी अभियान को लेकर के? एक व्यक्ति एक पेड़ कम से कम होना चाहिए, पहले से रहा है तो एक परिवार में जितने व्यक्ति हैं उतने कम से कम एक परिवार के पास पेड़ लगाने का कम से कम उतना रहना चाहिए कि लक्ष्य पेड़ लगाएं। और हर बार परिवार में जितने बच्चे उससे कई गुना पेड़ लगाएं, ताकि आगे आने वाले समय में उन बच्चों के लिए भविष्य बेहतर रहे, हमारी धरती का भविष्य बेहतर, आने वाले 20 साल के को सोचकर हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी बढ़ाने की कोशिश करें।